अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो पिछली वीडियो में हमने टालकियों से क्रेडिट बनाना सीखे थे। तो हमने पिछली वीडियो में ये सब सीख लिया था कि किस तरह से टालकियों को क्लोन करते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने टालकियों के क्रेडिट बनाए थे, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अब इन क्रेडिट से नंबर किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बैक आ जाना है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको प्लस वन की मैं आपको मेल बॉक्स करके दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर कंट्री कोड प्लस वन कर लेना है और नीचे मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर आप आएंगे तो आपको वहाँ पर आकर कमांड लगानी है ये वाली। ठीक है, लिस्ट के लिए, तो आप वहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर आप लिस्ट नहीं भी निकालते तो नीचे आपको बेस मिल जाएगी, तो वो बेस से भी आप नंबर बदल कर लगा कर निकाल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट को निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आपने तीन एक्सेस लगा देने हैं तो आपकी जो है ना लिस्ट आ जाएगी। तो सर्चिंग नंबर करते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। यहाँ से एक नंबर कॉपी कर लेना है आपने। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपके पास डेटाबेस एडिटर वाला ऑप्शन शो होगा। ठीक है, ऊपर तो उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर आ जाना है। ये आपके मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐप शेयर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्वाइप करना है नीचे। नीचे स्वाइप करने के बाद आपको लोकल इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लोकल इन्फो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है मेन। ठीक है, तो यहाँ पर मेन टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने वो वाला नंबर कॉपी किया हुआ पेस्ट कर देना है। कोई भी नंबर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी, उसका कोई इशू नहीं है, बस वैलिड नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, और दोबारा आपने टीलॉस को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने नंबर वहाँ से लगाया वो हमारे नंबर कहाँ पर आकर लगा है। तो ये समझ लें एक किस्म का हमारा सिम का नंबर बन गया है, तो इससे हम कॉलिंग करेंगे। यहाँ पर मोर पर क्लिक करके आपने सेटिंग में आ जाना है, अकाउंट सेटिंग में, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये वाला फ़ोन नंबर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब हम जहाँ भी कॉल करेंगे तो यही नंबर शो होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट से एक और नंबर ले लेना है कोई भी, तो वो यहाँ पर आपने लगा कर नंबर चेक करते जाना है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं नंबर टाइप करता हूँ एक, तो ये वाला नंबर मैंने निकाला हुआ है पहले। ठीक है, तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तो फिर ही आप जो है ना नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर है, जितने मर्ज़ी नंबर निकालो, वो भी परमानेंट। तो यहाँ पर मैं स्पीकर पर लगा देता हूँ इसको। तो सॉरी इस बात के लिए कि मेरा यहाँ पर जो है ना मैक वो काम नहीं करेगा, वो यहाँ पर बंद हो जाएगा, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो आप एक और वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, वो वाली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर नंबर का जो भी आपने नंबर टाइप करना है उसके लास्ट वाले फोर डिजिट है ना, जो ये यहाँ पर *6093# लगा कर आपने वो वाले फोर डिजिट लगा देने हैं। तो यहाँ पर नहीं लगे, मैं दोबारा लगा देता हूँ। तो यहाँ पर यह जब आपको कहेगा ना वेलकम टू योर वॉइस मेल सर्विस, तो तब आपको जाना पता चल जाना चाहिए कि हमारा नंबर वैलिड है। अगर दूसरा कहे पासवर्ड का कहे कि अनकरेक्ट पासवर्ड, तो फिर आपने और का नंबर ट्राई कर लेना है। अगर वेलकम करे तो आपने आगे वाला स्टेप स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये कहेगा कि कोड लगाना है हमें, एंटर योर न्यू फोर डिजिट पासवर्ड। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो जैसे ही हमारा जो कोड का बोलेगा तो हम यहाँ पर कोड लगा देंगे। ठीक है, तो जो भी आपने कोड लगाना है अपने मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं 7070# लगा देना है आपने इसको सेव करने के लिए। ठीक है, पाउंड साइन का मतलब है #, तो यहाँ पर ये मेरा कोड नहीं लगा यार, मैं दोबारा कोड टाइप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा कोड टाइप करता हूँ, तो पाउंड साइन का मतलब है कि जो है ना #, है पाउंड साइन का मतलब। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ये आपको कहेगा कि वॉइस मेल के लिए इनेबल करने के लिए एक दबाएं, तो यहाँ पर मैंने एक दबा दिया है। तो यहाँ पर उसके बाद आप क्या जो है ना रिकॉर्डिंग नेम पूछेगा, रिकॉर्डिंग नेम को सेव करने के लिए आपने पाउंड साइन का मतलब है #, तो यहाँ पर आपने #, दबा देना है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको बोलेगा मेल बॉक्स के लिए इनेबल करने के लिए जो है ना एक दबाएँ, तो यहाँ पर आपने अगेन एक दबा देना है। और उसके बाद कहेगा कि स्किप योर वॉइस मेल सर्विस सेट वॉइस मेल जो है ना सेटअप, तो उसके लिए आपने यहाँ पर दो दबा देना है। तो आपका जो है ना कंग्रेचुलेशन का बोलेगा, तो उससे आपका जो है ना अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि ये नंबर आपका परमानेंट हो जाएगा। तो इसका अब आपने कोड किस तरह से लेना है, मेन पॉइंट जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेन पॉइंट और क्या है इसका पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल में किसी भी व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ बार बार कि यही मेन पॉइंट है यहाँ से नंबर निकालने का। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मैं यहाँ पर स्विच अकाउंट कर देता हूँ,
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना। यहाँ पर आपने ऐड करके, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है जो लैंग्वेज, वो अरबी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यही इसका मेन रीज़न है, यही जो इसका मेन तरीकाकार है कोड रिसीव करने का। अरबी लगाने के बाद यहाँ पर आपको जो कोड लगाना है प्लस वन लगा देना है अपने नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं नंबर को पेस्ट कर देता हूँ, तो सॉरी यार, यहाँ पर मैं नंबर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इसको ओके कर देना है। तो यही मेन रीज़न है, ठीक है, इसका, जहाँ से आप नंबर निकाल सकते हैं। फुल डिटेल के साथ आपको मैं बताऊँगा, जहाँ से आपको समझ नहीं आती तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा ये कालमी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं अगेन वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो हमारा टाइम है जब वो सिंपली कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, टीलोस को अगेन ओपन कर लेना है दोबारा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नंबर टाइप कर देना है, ठीक है। जो वाला नंबर हमने व्हाट्सएप पर मेल बॉक्स करके लगाया है ना, वो वाला नंबर आपको यहाँ पर अगेन पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कट कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो नंबर पेस्ट करने के बाद जब भी हमारी कॉल डायल होगी ना, हम कॉल डायल करेंगे, तो आपको वही वाला पासवर्ड लगाना है जो वाला हमने पासवर्ड इसके साथ रिप्लेस किया है। तो पहले तो हमने नंबर के 4 डिजिट्स एंड वाले टाइप करे थे, लेकिन उसके बाद हमने उसका पासवर्ड चेंज करके 7070 रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वही वाला पासवर्ड टाइप करना है जो वाला पासवर्ड आपने लगाया होगा। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ जब हमारी कॉलिंग हो रही है। तो जब भी कॉल अटेंड होगी तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना पासवर्ड लगाऊँगा। तो ये पासवर्ड का ही आपको बोलेगा आपने पासवर्ड लगाना है, तो ये डायरेक्ट ही पासवर्ड बोलना स्टार्ट कर देगा। जो हमारा पासवर्ड आएगा वो अरबी में आएगा, ठीक है। तो अरबी में आपने पासवर्ड को किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी, तो वो वाली आपने कॉपी कर लेनी है, ठीक है। उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो वहाँ से आपको अरबी टू जो है ना उर्दू में मिल जाएगी एक। तो यहाँ पर मैं आपको वो टाइप कर देता हूँ 7070#। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको जो है ना, मैं अगेन पाउंड साइन दबा देता हूँ, हैशटैग दबा देता हूँ पासवर्ड को सुनने के लिए। तो यहाँ पर मेन मेन्यू में आना पड़ा मुझे, ये थोड़ा मसला कर गया, लेकिन आपको डायरेक्ट ही पासवर्ड बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक दबा देता हूँ रीटाइप करने के लिए, दोबारा सुनने के लिए पासवर्ड को। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। अब बैक आने के बाद यहाँ पर मैं अपने नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसकी समझ नहीं आएगी, तो यहाँ से मैं नोट पैड को ओपन करूँगा, सही है। तो यहाँ से मुझे समझ नहीं आएगी यार इसकी, तो मैं ऐसे अगेन जो है ना मैं सुन लेता हूँ। सुनने के बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर इसकी समझ नहीं आ रही, मैं नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ अपने। और यहाँ पर आपको ये वाली जो है ना नोट पैड की, ये एक दो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे अगेन रिप्ले कर देता हूँ। ये रिप्ले करने के लिए आपने एक एक दबाते जाना है, ये दोबारा पासवर्ड आपको सुनाता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड ढूंढ लेता हूँ, इसने क्या क्या बोला है। तो वाहिद एक को कहते हैं जो है ना, अरबा चार को कहते हैं, असना दो को कहते हैं, तो इस तरह से जो है ना, खमसा पाँच को कहते हैं, सित्ता छः को कहते हैं, साबे आठ को कहते हैं, अशरा नौ को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा इसे जो है ना कर लेता हूँ, क्योंकि आपको भी इसी तरह से पासवर्ड निकालना होगा, ठीक है। आपको भी इसी तरह से इतनी आसानी से पासवर्ड नहीं मिलेगा इसका, तो आपको भी इसको सुन सुन के जो है ना पासवर्ड यहाँ से निकाल लेना है, देख देख करके वो क्या बोल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा कर लेता हूँ रिप्ले। तो थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर आपको, लेकिन आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि अरबी में पासवर्ड बताएगा, अरबी में आपने वहाँ से सुन लेना है, और यहाँ पर आपने यहाँ से ढूंढ ढूंढ कर जो भी बोलेगा वो, तो वो यहाँ पर आपने लगाते जाना है, सही है। तो यहाँ पर मैं अगेन इसे रिप्ले कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो है ना किस तरह से आप पासवर्ड निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा भी मैं यहाँ से पासवर्ड निकाल कर वीडियो को स्किप करके आपको दिखा सकता था, लेकिन वहाँ से आपको बाद में समझ नहीं आनी थी। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको
प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, लेटेस्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो हमारा ओल्ड चैनल तो रिमूव हो गया है, तो अगर आपको इसको मुकम्मल वीडियो को वॉच कर लेंगे तो आप जितने मर्ज़ी नंबर निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री के मेल बॉक्स के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं चेक करता जाता हूँ, तो यहाँ पर यार मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। तो आप भी कन्फ्यूज़ हो सकते हैं अगर आपको जो है ना अरबी लैंग्वेज नहीं आती, अरबी का नहीं पता। अगर आप ये 9 तक सीख जाते हैं ना तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, आप जितने मर्ज़ी नंबर निकालते जाएंगे मास्टर हो जाएंगे फिर बाद में आप। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद यहाँ पर ला कर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये पेस्ट नहीं हो रही यार, ये अब यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रही, तो मैं इसे वहीं से जाकर देखता हूँ ये पता नहीं क्या मसला बन गया इसको। तो यहाँ पर मैं उसे जाकर दोबारा जो है ना नोट पैड में पेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये अरबी लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज के समझ नहीं आती। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड का कोई मसला नहीं होता, पासवर्ड जो है ना जितनी मर्ज़ी देर में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड का कोई मसला नहीं होता, पासवर्ड आप 1 घंटे बाद भी ढूंढ कर लगा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ अगर आपने अगेन पासवर्ड यहाँ पर ना टाइप किया हो तो। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 142302। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मैंने पासवर्ड इसका निकाल लिया है। तो आप भी निकाल सकते हैं, बड़ा इजी काम है। तो सबसे पहले नंबर पर आपने खान साहब की तरह घबराना नहीं है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अपना नाम। तो बिल्कुल ईजी मेथड है यार, अगर आप सीख जाते हैं तो आप जितने मर्ज़ी नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी कंट्री के मेल बॉक्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, तो बल्कि आप मुकम्मल तो वॉच कर ही चुके हैं, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। तो ये वाले ट्रिक जो हमारे पास काफ़ी देर से आई थी, लेकिन यार मेरा टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसके ऊपर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर जो लग चुका है। तो अब नंबर लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप के जाकर लैंग्वेज चेंज कर देनी है। अल्लाह हाफिज़।